नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आजकल कार हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है और प्रत्येक कार का ओनर चाहता है कि उसकी कार साफ सुथरी और चमचमाती दिखे। अमेरिका में मुझे अपने बेटे के साथ ऑटो कार बास कराने का मौका मिला। दोस्तों, आज मैं अमेरिका में अपने बेटे के साथ कार वॉश के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान में आमतौर पर मैनुअल सिस्टम रहता है कार वॉश का, और आज हम यहां ऑटोमेटिक सिस्टम पर कार वॉश करेंगे। आप यह वीडियो एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हमने गूगल सर्च करके ऑटो कार वॉश नियर मी सर्च किया और फिर GPS सेट करके कार वॉश कराने चले गए। दोस्तों, वॉशिंग सेंटर पर पहुंचते ही दो स्टाफ मेंबर्स ने हमारा वेलकम किया और कार में बैठे बैठे ही हमने $15 का क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया। दोस्तों, वॉशिंग सेंटर पर कन्वेयर सिस्टम वॉशिंग टनल बना हुआ था। पेमेंट काउंटर से आगे बढ़ते ही एक स्टाफ मेंबर प्रत्येक वाहन को कन्वेयर बेल्ट पर सही स्थान और सही पोजीशन लेने में सहायता कर रहा था। हमने भी कार के अंदर बैठे बैठे ही वॉशिंग टनल के पास कन्वेयर बेल्ट पर अपनी पोजीशन ले ली। वॉशिंग टनल में प्रवेश करते ही कार के ऊपर प्रत्येक डायरेक्शन से पानी गिरने लगा। प्रारंभ में पानी धीरे धीरे शुरू होता है और फिर प्रेशर क्लीनिंग से कार के सरफेस से डस्ट रिमूव होने लगती है। डस्ट क्लीन होने के बाद 3 बार डिटर्जेंट फोम कार के ऊपर प्रत्येक डायरेक्शन से आता है। फोम के साथ ही अत्यधिक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर के बड़े बड़े ब्रश कार के प्रत्येक दिशा से अच्छी तरह सफाई करते हैं। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, जिससे ऑयल ग्रीस तथा अन्य दाग धब्बे अच्छी प्रकार साफ हो जाते हैं। सोप क्लीनिंग के बाद अनेक जेट तथा फब्बारों से कार के अंदर पानी गिरने लगता है और सोप अच्छी प्रकार से रिमूव होने तक पानी गिरता रहता है। वॉशिंग तथा क्लीनिंग होने के बाद कार के ब्लोअर द्वारा प्रेशर एयर आती है। कुछ ही समय पश्चात कार वॉशिंग टनल से बाहर आ जाती है। दोस्तों, वॉशिंग तथा क्लीनिंग की यह प्रक्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालित होती है। कितनी देर कौन सी मशीन किस दिशा से काम करेगी, यह पूर्व निर्धारित होता है। वॉशिंग टनल से बाहर आने के बाद वहां वैक्यूम सिस्टम फ्री था। वैक्यूम मशीन के माध्यम से कार के अंदर की सफाई स्वयं करनी होती है। इसके अतिरिक्त डैशबोर्ड आदि पर पॉलिश भी स्वयं करनी होती है।
कार एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। दोस्तों इस प्रकार ऑटोमेटेड कार वॉशिंग का टाइम और एनर्जी बचाने वाला यह अनुभव बहुत ही शानदार रहा। कार वॉशिंग की पूरी प्रक्रिया लगभग 15 मिनट में पूरी हो गई थी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कार वॉशिंग का आप अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्क्रीन पर आई वीडियो लिंक क्लिक करके अन्य वीडियो एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।